लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक एग्जांपल मैंने लिया था ग्रिड व्यू से रिलेटेड। आज हम लोग ग्रिड व्यू कंट्रोल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस एग्जांपल को कंटिन्यू करने के लिए वी नीड टू टेबल, एम्प्लॉय कोड, ई कोड, ई नेम दैट मीन्स एम्प्लॉय नेम, सैलरी, एज एंड DEPT, दिस इज डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट इज द फॉरेन की which is related to the departments table, and these are the contents of the department tables. In departments table I have 6 entries, 101, 102, 103. These are the department codes and department names are computer production, sales, account, marketing, HR. Similarly we have employees table with this data, employee code 1, the name of the employee is employee 1, salary is 15,500, age 22, and the department code is 101, etc. We have total 20 entries in this table. Now in simple example, add a data source from data controls. This is SQL data source. Configure, new connection, the name of the server, database name is DB1. Optionally you can check the connection by using test connection button. Okay, आपकी connection string यहाँ पर generate हो गई है। अब आप बहुत ध्यान से सुनना, ये मैं next topic में cover करूँगा। ये जो data connection string यहाँ पर generate हुई है, जब आप next button पर click करेंगे तो ये पूछेगा कि ये save करनी है क्या। ये इसे save करेगा web.config में। आप देख सकते हैं एक फाइल हमारी क्रिएट होती है web.config, दिस इज नोन एज वेब कॉन्फ़िगरेशन, वेबसाइट कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें हम लोग वेबसाइट की कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कुछ डिटेल्स मेंटेन करते हैं, तो ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये आपका इस नाम से इस कनेक्शन स्ट्रिंग को सेव कर रहा है। हम लोग कुछ इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन के ऑपरेशन भी परफॉर्म करना चाहेंगे, तो इसीलिए हम लोग एम्प्लॉयज टेबल सेलेक्ट करेंगे एंड देन आफ्टर एडवांस्ड। आप इस एडवांस बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएंगे आपके जनरेट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। ये अपने आप इंसर्ट, अपडेट और डिलीट की कमांड्स को जनरेट कर देगा। नेक्स्ट, देन फिनिश। Drag and drop the grid view. Select the data source by using choose data source. Enable sorting, editing and deleting. Optionally, some formatting. Now run it, view in browser. आप आउटपुट देख सकते हैं। Now click on delete last record. ये entry delete हो गई। एडिट करना है, एडिट पर आप क्लिक कीजिए। प्राइमरी की टेबल कॉलम को छोड़कर ये बाकी ऑप्शंस को आपका एडिटिंग के लिए इनेबल कर देगा। यहाँ पर हमने एंट्रीज को चेंज किया और अपडेशन। देन क्लिक ऑन अपडेट ऑप्शन
आप देख सकते हैं ये एंट्री हमारी अपडेट हो गई है। तो आप इस तरीके से डेटा डिलीट कर सकते हैं या फिर एडिट कर सकते हैं। ग्रिड व्यू के थ्रू आप डेटा को, ये ध्यान रखिएगा, इंसर्ट नहीं कर सकते। यदि आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास अलग कंट्रोल है। तो दिस इज द सिंपल ऑप्शन। नाउ इन पेज टू वन मोर डेटा सोर्स, कॉन्फिगर, सेलेक्ट द एग्जिस्टिंग कनेक्शन स्ट्रिंग, दिस इज DB1 कनेक्शन स्ट्रिंग, टेबल इज डिपार्टमेंट्स, ग्रिड व्यू अगेन, SQL डेटा सोर्स 1, सम फॉर्मेटिंग, एंड रन इट। देखिए डेटा आ गया, डिपार्टमेंट कोड, डिपार्टमेंट नेम। अब इसमें हम लोग एक एडवांस सेटिंग सीखेंगे। इन टेबल्स में जो ये टेबल जनरेट होती है आपकी ग्रिड व्यू, दैट मीन्स कि आप इसमें अपनी मर्जी से भी कोई कॉलम ऐड कर सकते हैं। क्लिक ऑन ऐड न्यू कॉलम्स, यहां पर आपके अलग अलग ऑप्शंस हैं। आप चेकबॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल डेटा डिस्प्ले करा सकते हैं, हाइपरलिंक बना सकते हैं, बटन, कमांड फील्ड, कमांड मीन्स दीज आर डिलीट, एडिट, अपडेट, सेलेक्ट, आप ये बटन्स क्रिएट कर सकते हैं। इमेज आप कोई ऐड करना चाहें तो इमेज आप ऐड कर सकते हैं, या फिर टेम्पलेट फील्ड। टेम्पलेट फील्ड में आप अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या डेटा डिस्प्ले करना है, किस तरीके का। फिलहाल मैंने यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट किया हाइपर लिंक, बहुत ध्यान से समझेंगे आप इसे। हाइपर लिंक हेडर शो एम्प्लॉइज, हाइपर लिंक टेक्स्ट शो, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेसिफाई URL। यहां पर एक ऑप्शन है कि हाइपरलिंक का जो टेक्स्ट है वो एग्जैक्टली क्या होगा। यदि आप चाहते हैं कि वो फिक्स रहे तो आप स्पेसिफाई टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और वहां टेक्स्ट आप टाइप कर देंगे। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि टेबल के अंदर जो हमारे पास कोई कॉलम है उसकी कोई वैल्यू डिस्प्ले हो, तो उस केस में आप सेलेक्ट करेंगे सेकेंड ऑप्शन, गेट टेक्स्ट फ्रॉम डेटा फील्ड। तो उस केस में ये डेटा फील्ड में जो आपका कॉलम है उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। इसी तरीके से हाइपरलिंक, हाइपरलिंक में आप बताएंगे कि आप कौन सा पेज ओपन करना चाहते हैं, यदि आप कोई हाइपरलिंक क्रिएट करना चाह रहे हैं। और यदि आप हाइपरलिंक डेटा से लेना चाह रहे हैं तो आप गेट URL फ्रॉम डेटा फील्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ सेलेक्ट किया गेट URL फ्रॉम डेटा फील्ड, मैंने कॉलम सेलेक्ट किया डिपार्टमेंट कोड, URL में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ URL इज पेज टू डॉट ASPX क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब आप समझ गए होंगे, मैं क्वेरी स्ट्रिंग यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। मैंने इसका नाम दिया है डी कोड, दैट मीन्स डिपार्टमेंट कोड, दिस इज़ द नेम ऑफ द क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल, और इक्वल टू, और यहाँ मैं वैल्यू देना चाहता हूँ डिपार्टमेंट कोड जो डेटाबेस में है उसकी, जो ऊपर आपने यहाँ पे डिपार्टमेंट कोड कॉलम सेलेक्ट किया है वो वैल्यू आप जहाँ भी डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप कर्ली ब्रेसिस में उसकी इंडेक्स वैल्यू मेंशन कर दीजिए। ये वैसा ही हुआ जैसा आप कंसोल डॉट राइट लाइन में यूज़ करते थे फॉर्मेटिंग के लिए। तो आप इसको एज्यूम कर सकते हैं दिस इज पेज टू डॉट ASPX डी कोड इक्वल टू कर्ली ब्रेसिस 0, और उसमें कर्ली ब्रेसिस 0 की जगह वैल्यू डिस्प्ले होगी डिपार्टमेंट कोड की। ओके, रन इट। इस पेज में जो URL है इस पे फोकस करो ऊपर, दिस इज सिंपली पेज टू डॉट ASPX। ये आपका कॉलम क्रिएट हो गया एक, एम्प्लॉइज
नीचे सारे ऑप्शंस आ रहे हैं शो। अब मैंने किसी भी लिंक पर क्लिक किया, ऊपर हाइपरलिंक पे देखिएगा चेंज होगा, पेज 2.aspx डीकोड इक्वल टू 103। फिर से क्लिक कीजिए, डीकोड इक्वल टू 106। चेंजेस कहां हो रहे हैं? आपके ऊपर क्वेरी स्ट्रिंग में। तो यूआरएल में एक वेरिएबल पास हुआ है एज अ क्वेरी स्ट्रिंग, द नेम ऑफ द वेरिएबल इज डीकोड और वैल्यू उसकी जो भी आपने नीचे क्लिक किया। तो आप देख सकते हैं डायनामिकली वैल्यूज आपकी आ रही हैं। अब मैंने यहां पर एक और डेटा सोर्स ऐड किया, कॉन्फिगर सेम कनेक्शन स्ट्रिंग, एम्प्लॉयज टेबल, वेयर कंडीशन। मैं ये चाहता हूं कि यूजर ने जो ऊपर क्लिक किया तो उसी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज नीचे ग्रिड व्यू में डिस्प्ले हो। तो यूजर कहां क्लिक कर रहा है ये ऑप्शन मैं यूज करना चाहता हूं, तो इसके लिए हमने क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू वैल्यू पास की है। वेयर पे आपने क्लिक किया, कंडीशन ऑन विच कॉलम डीईपीटी, ऑपरेटर इज इक्वल टू सोर्स, डेटा कहां से आएगा? डेटा आएगा क्वेरी स्ट्रिंग से, सेलेक्ट क्वेरी स्ट्रिंग। क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम क्या है वो यहां मेंशन कीजिए आप क्वेरी स्ट्रिंग फील्ड में। डीकोड इसको ऐड कर दीजिए, ओके, नेक्स्ट, फिनिश। नाउ ग्रिड व्यू, वन मोर। इस ग्रिड व्यू में ऑप्शन सेट कीजिए डेटा सोर्स टू, रन द पेज। देखो नीचे सेकंड ग्रिड व्यू जो है उसमें कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। नाउ क्लिक डिपार्टमेंट 101, आप देख सकते हैं ऊपर जिस डिपार्टमेंट में मैं क्लिक कर रहा हूं नीचे उसी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज की डिटेल डिस्प्ले हो रही है। तो सेकंड ग्रिड व्यू में जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है वो कहां से आ रहा है? ऊपर वाले ग्रिड व्यू में जहां आप क्लिक कर रहे हैं उसमें, जिसको हाइपरलिंक आपने डिजाइन किया है उसके थ्रू हमने इसको इनेबल किया है और ये वैल्यू हमने क्वेरी स्ट्रिंग से पास की है। मुझे उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा एग्जांपल आपको। अगेन एसक्यूएल डेटा सोर्स, एम्प्लॉयज, देन ग्रिड व्यू अगेन, पेजिंग, सॉर्टिंग, एडिटिंग, डिलीटिंग एंड सेलेक्शन। नाउ इंपॉर्टेंट इज एडिटिंग, डिलीटिंग एंड सेलेक्शन। जब आप एडिटिंग पर क्लिक करेंगे यहां पर तो एक कोड एग्जीक्यूट होगा, इसमें इवेंट ऑपरेट होगा। इवेंट जो रेज होता है वो ध्यान से सुनिएगा, रो डिलीटिंग। यदि आप डिलीट पर क्लिक कर रहे हैं रो डिलीटिंग, एडिट पे आप क्लिक करते हैं रो एडिटिंग। जब आप अपडेट पे क्लिक करते हैं अपडेट बटन पे रो अपडेटिंग, और जब आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे
सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज्ड, इवेंट आप ध्यान रखेंगे, कैंसिल पे क्लिक करेंगे, कैंसिल एडिट, पेजिंग यदि आपने इनेबल की हुई है, पेज इंडेक्स चेंज होगी तो पेज इंडेक्स चेंज्ड। सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज्ड, डिलीट पे क्लिक करेंगे, रो डिलीटिंग, एडिट पे क्लिक करेंगे, रो एडिटिंग। ये इवेंट आप याद रखिएगा, इवेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो इवेंट्स जो है वो जरूरत के हिसाब से हम यूज करेंगे। एड न्यू कॉलम, चेकबॉक्स, हाइपरलिंक, बटन, बटन आप अपनी मर्जी से कोई भी बटन बना सकते हैं, बटन के ऑप्शंस आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिएगा। कमांड फील्ड आप जनरेट कर सकते हैं, एक साथ जनरेट हो जाएंगे। इमेज कोई डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप इमेज फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। ये डिलीट कर दिया है मैंने। नेक्स्ट कंट्रोल इज लिस्ट व्यू, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रोल। सेलेक्ट द डेटा सोर्स, लिस्ट व्यू में डेटा सोर्स सेलेक्ट करने पर डेटा डिस्प्ले नहीं होता, आपको इसमें कॉन्फिगर लिस्ट व्यू करना कंपलसरी है। यदि आप लिस्ट व्यू को कॉन्फिगर नहीं करेंगे तो आपका डेटा डिस्प्ले नहीं होगा। मैंने लिस्ट व्यू को कॉन्फिगर पे क्लिक किया, दीज आर द ऑप्शंस, ग्रिड, टाइल्ड, बुलेटेड लिस्ट एटसेट्रा, मैंने सेलेक्ट किया ग्रिड या फिर टाइल्ड, जो भी आप लेना चाहें टाइल्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, कलर जो भी आप चाहें। मैंने इसमें एडिटिंग, इंसर्शन, डिलीटिंग, पेजिंग सब इनेबल किए हैं। नाउ रन इट, चेक द आउटपुट, डिलीट, एडिट बटन्स आर देयर, डेटा, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, इंसर्शन के लिए एक ऑप्शन अवेलेबल है और आप नेक्स्ट प्रीवियस पे भी जा सकते हैं। एडिट पे क्लिक किया, डेटा एडिटिंग के लिए ओपन हो गया, इसमें बैकग्राउंड कलर इस समय आ रहा है ग्रे। कैंसिल, डिलीट पे क्लिक करेंगे डिलीट होगा, ये इंसर्शन के लिए ऑप्शन आ रहे हैं। जो डिज़ाइन आपके डिस्प्ले हो रहे हैं यदि आप इन्हें चेंज करना चाहते हैं, ग्रिड व्यू पर क्लिक कीजिए, ऑप्शंस आर व्यूज, रन टाइम व्यू, रन टाइम पर व्यू कैसा दिखेगा, ऑल्टरनेट आइटम टेम्पलेट, आपके जो ऑल्टरनेट आइटम्स हैं उनकी आप एडिटिंग कर सकते हैं। एडिट आइटम टेम्पलेट, जब यूजर एडिट करता है तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए, किस तरीके का स्ट्रक्चर आना चाहिए, वो आप डिफाइन कर सकते हैं। एम्प्टी डेटा टेम्पलेट, यदि डेटा है ही नहीं तो कैसा डिस्प्ले होगा, वो आप कर सकते हैं। इंसर्ट आइटम टेम्पलेट, जब डेटा इंसर्ट होगा तो उसकी डिजाइनिंग कैसी होगी, देखो ये यहाँ पे चेंज हो गया। सेलेक्टेड आइटम टेम्पलेट, एडिट आइटम टेम्पलेट, ऑल्टरनेट आइटम एंड आइटम, दीज आर टू इंपॉर्टेंट, आइटम एंड ऑल्टरनेट आइटम, ये ध्यान रखेंगे आप। ये रन टाइम व्यू है, रन टाइम पे कैसा दिखेगा, दिस इज ऑल्टरनेट आइटम, फर्स्ट वन, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ एटसेट्रा एंड सेकेंड, फोर्थ, ये होते हैं आपके आइटम्स।
आप इनकी डिजाइनिंग को कोड से भी चेंज कर सकते हैं। ऑल्टरनेट आइटम टेम्पलेट, टेम्पलेट मीन्स द स्ट्रक्चर, ये सब टेबल के थ्रू डिजाइन है। पीडी स्टाइल शीट, एक लेबल डिस्प्ले होना है, आईडी इज दिस, टेक्स्ट क्या डिस्प्ले होना है, ई नेम, सैलरी, एज एटसेट्रा। एडिट आइटम टेम्पलेट, जब यूजर एडिट बटन पर क्लिक करेगा तो डेटा कैसा डिस्प्ले होगा, लेबल एंड टेक्स्ट बॉक्स। बटन्स, अपडेट बटन, कैंसिल बटन। एम्प्टी डेटा टेम्पलेट, यदि यूजर इंसर्शन परफॉर्म करेगा तो उस समय इंसर्ट आइटम टेम्पलेट डिस्प्ले होता है। आप यहां डिजाइनिंग में चेंज कर सकते हैं। आइटम टेम्पलेट, सेलेक्टेड आइटम टेम्पलेट, जब यूजर किसी एंट्री को सेलेक्ट करेगा तो कैसा डिस्प्ले होगा। देखिए आइटम टेम्पलेट में मैंने चेंज किया है, इन सिंपल नेम, सैलरी रुपीज, डीपीटी डिपार्टमेंट, डिजाइन रन इट, देखिए नेम सैलरी डिपार्टमेंट, लुक चेंज हो गया। दिस इज आइटम, दिस इज ऑल्टरनेट आइटम, आइटम ऑल्टरनेट आइटम एटसेट्रा। ग्रिड व्यू अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल है, इसको हम लोग मल्टीपल वेज में यूज कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसमें एक्सपर्टाइज करेंगे उतना अच्छा है, और इवेंट्स पे भी इसके ध्यान दीजिएगा। यदि आप MS Access से डेटा डिस्प्ले करना चाहते हैं, दैट केस यू कैन यूज एक्सेस डेटा सोर्स। एक्सेस डेटा सोर्स सिंपल MS Access से डेटा डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन कई बार ये डिलीट में या इंसर्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। SQL इज परफेक्ट, SQL डेटा सेट्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। टेबल कंट्रोल एक कंट्रोल है, ये हमें तभी यूज करना चाहिए जब हमें डेटा डायनामिकली जनरेट करना हो, दैट मीन्स टेबल डायनामिकली जनरेट करनी हो, वरना आप HTML टेबल को भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी HTML टेबल यूज करने में। इन एग्जांपल्स में मैंने ग्रिड व्यू में और लिस्ट व्यू में थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ नए कंट्रोल्स फिर से डिटेल में जाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी प्रोग्रामिंग।